subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना फिर बेकाबू, 24 घंटे के दौरान मजीद 13 अमवात। ताज़ा तरीन अदालतशुमार के मुताबिक एक दिन में 736 नए केसेस की तशखीस हुई। कोरोना वायरस से अमवात की मजमू तादाद 6715 हो गई। 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान की जेल में होंगे। शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ के पीछे कानून के हाथ को रोकने के लिए सब किया जा रहा है, अपोजिशन को मुल्की मीशत से कोई दिलचस्पी नहीं। हुकूमत घबराई हुई है, जनवरी से पहले ही चली जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं कराची वाकये में वजीर आजम की खामोशी ने साबित कर दिया वो कहीं नहीं है। हुकूमत ने मरना भी महंगा कर दिया, हुक्मरानों का हाल अवाम के बददुआओं का नतीजा है। पीडीएम के कोयटा जलसे पर बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। वज़ीर दाखला बलोचिस्तान कहते हैं बलोचिस्तान में दुश्मन हालात ख़राब करने के लिए पैसा लगा रहा है, अवाम अब मनफी हथकंडे अपनाने वालों को पहचान चुकी है। 3 सूबों को वफाक से चलाया जा रहा है, मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत कभी भी गैर आइनी इकदाम नहीं कर सकती, मुल्क का कानून और आइन सुप्रीम है, ना पहले डरे थे ना अब डरेंगे। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,26,216 हो गई। कोरोना वायरस से मजीद 13 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,007 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 736 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,02,253, सिंध में 1,42,917, खैबर पख्तूनख्वा में 38,886, बलूचिस्तान में 15,767, गिलगित बल्तिस्तान में 4,127, इस्लामाबाद में 18,578, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,688 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 42,04,320 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27,050 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,09,646 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 586 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 10 अफराद जा बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,715 हो गई। पंजाब में 2,329, सिंध में 2,591, खैबर पख्तूनख्वा में 1,267, इस्लामाबाद में 205, बलोचिस्तान में 148, गिलगित बल्तिस्तान में 90 और आज़ाद कश्मीर में 85 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत शिबली फराज का कहना है कि नवाज शरीफ के पीछे कानून के हाथ को रोकने के लिए सब किया जा रहा है। अपने दौर हुकूमत में अपोजिशन ने इदारों को मफलूज किया, हमारा बस चले तो 24 घंटे एहतसाब की अदालतों पर काम करें। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत शिबली फराज का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि नवाज शरीफ के पीछे कानून के हाथ को रोकने के लिए सब किया जा रहा है, अपोजिशन को मुल्की मईशत से कोई दिलचस्पी नहीं। जब कोरोना शुरू हुआ ये बगलें बजा रहे थे। FATF के बिल में नाकामी पर उन्होंने जलसे जुलूसों का नाटक शुरू किया, करप्शन पर उनके साथ समझौता नहीं कर सकते। वजीर आजम का कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से ताल्लुक क्या है? सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया। मजार की बेहरमती पर उनको माफी मांगनी चाहिए थी, मजार पर नारेबाजी की गयी। अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन ने इदारों को मफलूज किया, हमारा बस चले तो 24 घंटे एहतसाब की अदालतों पर काम करें, हम सिर्फ केसेस खत्म करने की दरख्वास्त कर सकते हैं। कि अपने दौरे हुकूमत में
उन्होंने चादर और चार दिहाड़ी का कितना तहफ़ किया, क्या लोग भूल गए हैं कि किस तरह से उन्होंने मॉडल टाउन की खवातीन पे हमला, खवातीन पे फायरिंग की। कोरोना की वजह से दुनिया भर में तबाही मची है। पीटीआई की हुकूमत ने कोरोना का बेहतर तौर पर मुकाबला किया। महंगाई के हवाले से आने वाले चंद हफ्तों में आवाम तब्दीली महसूस करेगी। जबरदस्ती हुई है, कहीं पे खींचातानी हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान हुकूमत में नहीं और उन्हें डमी बनाकर कुर्सी पर बिठाया गया है। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बलोच तुलबा के एहतजाजी धरने में कहा कि मैं इस धरने में सियासत के लिए नहीं आई, तुलबा से इजहार यकजहती के लिए आई हूं। मैं परसों कोयटा जलसे में उन तुलबा का मामला उठाऊंगी। ये तुलबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और 12 दिनों से सड़कों पर रुल रहे हैं। इन्हें स्कॉलरशिप देने वाले आज जेल में है। नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क के तुलबा को उनका हक दिया। ऐसी क्या आफत आ गई आपको स्कॉलरशिप वापस लेनी पड़ी। मरियम नवाज ने कहा, ये कहते हैं पंजाब बड़ा भाई है, मैं कहती हूँ बलोचिस्तान बड़ा भाई है। इतवार को कोयटा में जलसा है, कल रवाना हो रही हूँ। कराची वाक्य से पता चल गया कि असल हुकूमत कौन है, वो तो अब डमी भी नहीं रहे। नवाज शरीफ ने कहा था कि रियासत के ऊपर रियासत है, तो इमरान खान ने कराची वाक्य में इसे साबित कर दिया। इस वाक्य में कुछ छुपाएंगे तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। मरियम नवाज ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरा नहीं। कराची वाक्य की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। मरियम नवाज के साथ ऐसा हो सकता है तो पाकिस्तान की कोई भी बहन बेटी के साथ क्या होता होगा। इस्लाम के मुताबिक जंग में भी माँ बहन के साथ ऐसे सलूक की इजाजत नहीं। मुझे एक लम्हे के लिए ख्याल नहीं आया कि कराची वाक्य में पीपल्स पार्टी मुलविस है। वज़ीर दाखला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांगो का कहना है कि पीडीएम के जलसे के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए हैं। पीडीएम हुकाम को जिस किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर दाखला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांगू का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि पीडीएम हुक्काम आए, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें, कायदीन जलसे के दौरान इदारे और आवाम के दरमियान नफरत ना फैलाएं, जलसे के दौरान एसओपीस का ख्याल रखा जाए, किसी को अपने जमहूरी हक से महरूम नहीं रख सकते। लेकिन जो भी गैर कानूनी अमल करेगा, इदारों के खिलाफ बात करेगा, मुल्क के खिलाफ बात करेगा, उसके खिलाफ जो है हम प्रेस में भी आएंगे, उसके खिलाफ हम करारदाद असेंबली में भी लाएंगे। उनका कहना था कि बलोचिस्तान में दुश्मन हालात खराब करने के लिए पैसा लगा रहा है, पीडीएम हुक्काम से हर मुमकिन ताबुन करेंगे। आवाम अब मनफी हथकंडे अपनाने वालों को पहचान चुकी है। पीडीएम की तहरीक से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, कराची के अमल को कोई भी अच्छा नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि जो सियासी क्यादत सड़क के जरिए आएगी उनकी सिक्योरिटी के लिए मुतालिका डीसी को कह दिया है, सियासी रहनुमाओं को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि इस वक्त 3 सूबों को वफाक से चलाया जा रहा है। आपसे रेवेन्यू जमा नहीं हो रहा तो हमारे हवाले कर दें, आइन को मुसलसल पामाल किया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध हाई कोर्ट बार सखर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर सब एक हो जाएं तो कानून शिकन कामयाब नहीं हो सकते, वकला हमेशा कानून के एहतराम और हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि सूबाई असम्बली ने जजीरों पर अहम करारदाद मंजूर की है, सिंध हुकूमत कभी भी गैर आइनी इकदाम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मुल्क का कानून और आइन सुप्रीम है, न पहले डरे थे न अब डरेंगे, हमेशा नैब के सामने पेश हुए हैं। हम एहतसाब के खिलाफ नहीं मगर सब के लिए एक जैसा एहतसाब होना चाहिए। मुराद अली शाह ने कहा कि खुर्शीद शाह 1 साल से कैद है मगर केस अभी बन रहा है। महंगाई इंतहाई हद तक बढ़ चुकी है और गुज़िश्ता साल NFC के 25 अरब इस साल 65 अरब कम मिले। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आपसे रेवेन्यू जमा नहीं हो रहा तो हमारे हवाले कर दें, आइन को मुसलसल पामाल किया जा रहा है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।